जयपुर के आरएएफ कैंपस में पहुंचे आर्यन खान, एनसीबी की विजिलेंस टीम उनका बयान दर्ज कर रही है। शाहरुख खान के पर्सनल बॉडीगार्ड और लीगल टीम भी आर्यन खान के साथ है। और ज्यादा डिटेल्स के रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, बेलापुर में ये बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है आरएएफ कैंपस में, क्या इसके पीछे कोई खास वजह और क्या डिटेल्स मिल रही है आपको? देखिए अदिति, पहले मैं आपको कैंपस दिखा देता हूँ बेलापुर का। ये आरपीएफ का कैंपस है, रैपिड एक्शन फोर्स का, जहाँ पर ये बयान शुरू हुआ है। 4:50 पर आर्यन यहाँ पर आए थे। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है 5 बजे से उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई होगी। जब से इस पूरे मामले को हमें याद है कि जब जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनको उनसे लेकर ये सारा का सारा मामला एक एसआईटी टीम ने अपने जिम्मे ले लिया था। कुल 6 मामले गए थे, उनमें से एक मामला आर्यन खान का भी था और संजय सिंह इस टीम को लीड कर रहे हैं। तब ये पहला मौका है जब आर्यन खान इस एसआईटी टीम के सामने आए हैं और अब अपना इस पूरे मामले को लेकर उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो सोर्सेज हैं एनसीबी के, वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि उसी गाड़ी के अंदर पूजा ददलानी, जो कि मैनेजर भी हैं शाहरुख खान के, और पूरे जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो हमने ड्रग्स का केस जो देखा है उसमें उनका नाम कई जगह अलग अलग रोल में निकल कर भी सामने आया है। तो उनका भी स्टेटमेंट एनसीबी की एसआईटी टीम है वो रिकॉर्ड कर सकती है। और ये अभी फिलहाल लंबा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, तकरीबन जो रवि मेन बॉडीगार्ड है लीगल टीम में, वो तो आई हुए हैं, और जो बाकी के 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स हैं वो भी इस पूरे परिसर के आसपास यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो उनके इस पूरे के पूरे कॉन्वॉय के साथ आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर त्यागी, अपडेट्स के लिए आगे आपके पास आएंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।